इक्कीस इक्कीस बीस बीस हजार रुपए की पेटीएम इंसाइडर पे टिकट दिख रही थी, वही सेम टिकट उसी स्टैंड की टिकटें हम लोगों को पड़ी भाई पर पर्सन 1500 रुपए की। भाई मिल गई टिकट हम लोगों को, भाई भीड़ चेक करो। क्या हुआ, एक तो हमारी जो टिकट थी हम लोगों ने उसको भी चेंज करा लिया। सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वर्सेज सनराइजर्स हैदराबाद का मैच देखने, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो टिकट्स बुक करी हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टिकट्स जो होती हैं हम लोग तीन जगह से बुक कर सकते हैं, बुक माई शो, पेटीएम इनसाइडर और जो टीम्स के मैच हो रहे हैं उनकी ऑफिशियल साइट से। ठीक है, तो हम लोगों ने जहाँ से बुक किया है वो किया है दिल्ली कैपिटल्स की ऑफिशियल साइट से, और बुक माई शो पे दिल्ली कैपिटल्स के कोई भी वो अवेलेबल नहीं है, मैचेस अवेलेबल नहीं है। तो यही दो ऑप्शन थे हमारे पास, पेटीएम इनसाइडर और दूसरा ये इनकी ऑफिशियल साइट। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ आपको बुक करने के बाद क्या होता है। देखो, जो ऑनलाइन टिकट मिलती है ना हम लोगों को बुक करने के बाद, इसमें ये नहीं है कि हम लोग यही टिकट लेके चले जाएं आगे और इससे हमारी बुकिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपको ये बुकिंग का जो टिकट है इसको बुक करते के साथ ही 10 मिनट बाद आपको एक मेल आता है, उस जिस मेल में लिखा होता है, देखो मैंने मेल अटैच कर दी है यहाँ पे, आपको दिख जाएगी। इस मेल में लिखा होता है कि जो आपकी टिकट है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन से आपको पिकअप करनी है और आपको फिजिकल टिकट मैंडेटरी है। इसमें साफ मेंशन है कि मैंडेटरी है आपको फिजिकल टिकट, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती। तो आप ये मत सोचना बिल्कुल भी कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक कर लियो आप चले जाओगे स्टेडियम आपको मिल जाएगा। अपना मेल ज़रूर चेक करना, आपको 10 मिनट बाद मेल ज़रूर आएगा अगर आपने मेल आईडी सही डाली है तो, और फ़ोन नंबर भी आप सही डालना उसमें, तो आपको प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शन दिखेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से टिकट्स बुक करनी, कहाँ से अपना टिकट्स कलेक्ट करनी है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है भाई। हम लोगों ने मैच स्टार्ट होने के कुछ लगा लो 4 या 5 घंटे पहले ही टिकट्स बुक करी हैं, तो मान के चलो 7:30 बजे मैच स्टार्ट होना है, हम लोगों ने 1 बजे टिकट सारी बुक करी थी। तो पेटीएम इनसाइडर पे और बुक माई शो पे तो ऑब्वियसली अवेलेबल है ही नहीं दिल्ली के मैचेस। पेटीएम इनसाइडर पे जो हमें सीट शो हो रही थी वो सीट जो थी वो 1-2 अवेलेबल थी, वो भी दूर दूर स्टैंड्स अलग, और वो भी 21-22 हज़ार रुपये की। भाई हम लोगों ने तो होप छोड़ दी थी कि हम लोगों को नहीं मिलने वाली टिकट कोई सी भी, ठीक है कुछ भी कर लो, लेकिन भाई निखिल भाई साहब ने कैसे ना कैसे करके भाई दिल्ली कैपिटल्स की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके वहाँ से बुक कर ली भाई। तो अगर तुम लोगों को भी अगर लास्ट मोमेंट में नहीं मिल रही हैं टिकट्स भाई, अगर अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो आप भी एक बार ऑफिशियल साइट्स पे जाके इनकी टीम्स की वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो भाई। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी तो मैंने सोचा कवर कर दूँ इसमें। तो भाई जैसे कि मैंने बताया 21-22 हज़ार रुपये की पेटीएम इनसाइडर पे टिकट दिख रही थी, बट हम लोगों ने अगर जब दिल्ली कैपिटल्स की ऑफिशियल साइट से जब बुक किया तो भाई वही सेम टिकट उसी स्टैंड की टिकटें हम लोगों को पड़ी भाई पर पर्सन 1500 रुपये की। तो भाई चीपर प्राइस पे आप लोगों को अगर टिकट बुक करनी हो तो आप लोग ऑफिशियल साइट्स पे जाके इनकी टीम्स की वहाँ ज़रूर चेक करना भाई, वहाँ टिकट्स मिल जाती है। तो यही है टिकट्स बुक करने का, अब आके दिखाते हैं आपको हम लोग कहाँ से हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं टिकट और कैसा रहेगा वो। ठीक है भाई, हम लोग पहुँच गए अब जहाँ से हमें टिकट लेनी है, जहाँ से हमें टिकट लेनी है फिजिकल वहाँ पहुँच चुके हैं। और भाई देखो यहाँ पे टी शर्टें मिल रही है भाई, कैसी थी भाई? 200 रुपये RCB की है, मिल जाएगी ना, दिखा ना, जान दे देंगे इसके लिए। भाई भीड़ चेक करो, मैं तो 1 मिनट में उसमें लगना, उसमें लग लो जो भी भाई, ऐसा सीन है आप भाई। जो मिल गई टिकट हम लोगों को और ये सारे बंदे खड़े हैं भाई, यहाँ से ना साइड हो जाओ आप, तो आप लोग यहाँ से साइड हो जाओ भाई, काम ही लेगी मैं ये ले। आप इतने तेज चला रहे हो, मरवाओगे क्या हैं, मरवाओगे नहीं मरवाओगे? चलो ठीक है फिर। तो भाई हम लोगों को टुक 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 मिल गया वहाँ से, ये पकड़ने के टुक टुक नहीं पकड़े रहा का जेब्रा, जेब्रा क्या जेब्रा। तो भाई जेब्रा मिल चुका है हम लोगों को वहीं से बॉक्स ऑफिस के वहाँ से, और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम तक। 1 किलोमीटर का रास्ता है, वैसे हम लोग वॉक भी कर सकते थे बट हम लोगों ने जेब्रा कर लिया है, भैया बोल रहे थे यहाँ से ही मिल लिया, अब ग्राउंड पहुँच के बताते हैं हम। भाई
भाई अपन लोग पहुंच गया फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को हमारे स्टैंड का है, बेस्ट स्टैंड है भाई। 1600 रुपये वाली टिकट है, एक नंबर, आ जाओ। ये देखो सारा खाने पीने का सारा आम जाम, सब्वे भी है भाई यहाँ पे, सब्वे भी है यहाँ पे, टैको बेल, सारी चीज़ें ओके। रिपोर्ट है 6:30 बज रहे हैं अभी, 7:30 बजने में एक घंटा बचा है भाई, तब तक हम लोग कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद चलेंगे अपना मैच देखने, ठीक है? चलो भाई। सब्वे बनवा लें, पहुंच गए हम लोग स्टेडियम, और दिखाता हूँ मैं आपको, व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, भाई ये व्यू है। अभी अपनी सीट देखते हैं पहले, कहाँ पे है सीट, फिर बताएंगे आपको। 148 है भाई, ये हमारे थर्ड फ्लोर का स्टैंड, ये देखो ये भाई सबसे ऊपर है भाई, टिकट सस्ती है मानता हूँ, लेकिन जो है यही है। आज एक और बंदे की बोलती बंद करेगा भाई, जब थाला और अपना किंग रोहित शर्मा ये तो लोग कुछ नहीं कर रहा, तो अपना ये ऋषभ पंत क्या करेगा भाई। 3 ओवर हुए हैं और ट्रेविस हेड ने भाई 16 बॉलों में 50 मार दी, देख लो भाई क्या हाल करेंगे भाई दिल्ली वालों का। हम लोगों ने अपने स्टैंड चेंज करा लिए भाई, हम लोगों को प्यास बहुत लग रही थी, तो हमने क्या किया, ये देखो भाई यही रखवा लिया, बार बार आ रहा था बंदा भाई, स्कोर लग चुका है 267 भाई, कहाँ से जाएगा क्या। तो भाई हम लोग अब आ चुके हैं अपना डीसी वर्सेस सनराइजर्स का मैच देख के भाई, सनराइजर्स ने तो धो दिया भाई डीसी को, और भाई इतने छक्के हमारे स्टैंड्स के भाई, कभी इधर गिर रहा छक्का, कभी इधर गिर रहा, हमारे पे ही नहीं गिरा भाई। और फिर उसके बाद भाई क्या हुआ, एक तो हमारी जो टिकट थी वहाँ से भाई हम लोगों ने उसको भी चेंज करा लिया, जो हमारी 1500 रुपये की टिकट थी हमने उसको भी चेंज करा लिया, और हम लोग चले गए ग्राउंड फ्लोर पे, हमारी थर्ड फ्लोर की टिकट थी, हम ग्राउंड फ्लोर पे चले गए चुपचाप जैसे जैसे करके भाई, हमें फिर वहाँ से जो मैच दिखा भाई, एक नंबर मैच, वहाँ से पूरा मैच देखा हम लोगों ने, हम लोग 4 ओवर पहले आ गए, हमें पता लग गया भाई अब तो बहुत स्लो खेलने लग गए थे, फिर आ गए हम लोग। तो भाई हम लोगों ने आपको यही बताया पूरा इसमें कि कैसे कैसे अपना आप लोग टिकट बुक कर सकते हो, कहाँ से आपको टिकट कलेक्ट करनी है, कैसे रहता है। तो भाई यही था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना, और भाई मेरे चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस आती रहती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। भाई हनुमान जी आते हुए सामने से, भाई साहब क्या व्यू है, ओए भाई 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 भाई, 7 फुट के सर हनुमान जी हैं, 8 फुट के, बॉडी चेक करो। और भाई मुझे अपने अंधे दोस्त पे पूरा भरोसा है कि वो गाड़ी अच्छे से चलाएगा, देखो बढ़िया गाड़ी चला रहा है, ठीक है ये देखो। तो भाई अंधा है पर गाड़ी अच्छी चलाता है, इसको थोड़ा बहुत मैं इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि लेफ्ट राइट, थोड़ा सा राइट मुड़ना है यहाँ से, ठीक है ऐसे करके मुड़ना है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा स्लो करके ऐसे, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, देखो देखो कैसे मुड़ रहा है आराम से, देख रहे हो गाइस। तो भाई वैसे अंधा है बट गाड़ी एक नंबर चलाता है।